तो गाइस सर आज बीजमाई के अंदर वीक 3 में एक मिशन देखने को मिला है जिसमें लिखा यू द शेडो ब्लेड स्काइथर हुक और प्रोक्सी स्कॉट 15 टाइम इन क्लासिक मोड शेडो फोर्स। तो गाइस सर इस मिशन को कैसे कंप्लीट करना है, तो बेसिकली आप लोग को ये जो शेडो फोर्स मोड आया है इसको आप लोग को लगाना रहेगा, इसमें कंप्लीट करना रहेगा। तो आइए चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि कैसे गेम करते जाके इसको ईजिली से ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आप इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारे से कमेंट कर देना एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस जो आपको मोड पसंद हो वो मोड लगा लेना, चाहे आप रेंगल में लगा लो चाहे आप लिविक में लगा लो, तो आप लोग को सब लगा लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा खेलना चाहते हो, किस में कंप्लीट करना चाहते हो। तो उसके बाद आप लोग को देखो कोई सा भी मोड लगाओगे तो आपको यहाँ पर जो इवेंट बनता है मेन वहाँ पर जाना है। वहाँ पे आने के बाद गाइस देखो मैं यही कहूँगा एक कोने में उतरना, क्योंकि यार अगर आप बीच में उतरोगे तो हो सकता है आप मारे चले जाओ मर जाओगे। तो आप लोग कहीं किनारे उतरना या आपको एजेस पे उतरना। उसके बाद आप लोग को जो शेडो ब्लेड है ये अगर आपको मिल जाता है, देखो ये चीज़ मैंने सब कुछ ट्राई करा, मुझे ऐसा लगा कि 15 टाइम सबको करना होगा, पर गाइस ऐसा नहीं है। जैसे कि ये मेरे पास इस प्रोक्सी स्काउट था तो मैंने इसको ट्राई करा, तो इसको मैंने एक बार यूज़ कर लिया, और मेरे पास यहाँ पे हुक था तो इसको मैंने भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो स्कैथर हुक भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने दो कर लिया। तो अभी आप लोग को मिशन में देख सकते हो कि मेरा 3 काउंट हो गया है। और आपको बता दो कि ये जो शेडो ब्लेड है तो अगर आप उसको फायर करते हो तो नहीं काउंट होगा, जो इसकी पावर उसको यूज़ करोगे तो 1 काउंट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो स्काइथर हुक से तो जल्दी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो ये शेडो ब्लेड अगर आपको मिली है तो इसकी जो मेन पावर होती है उसको आपको यूज़ करना रहेगा 15 टाइम। तो अगर आप जो जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से इजीली कर सकते हो। बेसिकली अगर आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो, जैसे अगर प्रोस्की स्काउट अगर 15 है उसको भी यूज़ कर सकते हो 15, या तो अगर आपके पास शेडो ब्लेड है उसको 15 टाइम्स की पावर को यूज़ कर लेना है, अगर आपके पास स्कैटर हुक हो तो उसको यूज़ कर लेना 15 टाइम, आपका एक ही मैच में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ये जो पूरा ये मिशन दिख रहा है ये मैंने पूरा एक ही मैच में इसको कंप्लीट कर लिया था। तो अभी देख सकते हो कि मैं गिन भी रहा था कि मेरा कितना कंप्लीट हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसका जो टाइमिंग मिलता है 8 सेकंड वेट करना पड़ता है सेकंड बार उसको यूज़ करने के लिए, तो मैं वो भी कर रहा था। और आपको बता दो कि देखो यार इसको आपको एग्जिट नहीं करना रहेगा, क्योंकि मिशन कंप्लीट हो एग्जिट कर दें, ऐसा मत करना नहीं तो आपका काउंट भी नहीं होगा। आपको ऐसा रखना है कि आपका रिकॉल भी ख़त्म हो जाए और आप दोबारा जो रिकॉल हो गए तो उसको भी रिकॉल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप उन लोग को करना रहेगा। उसके बाद जब आप पूरा गेम से आपको गेम कहते कि अब आपको एग्जिट करना है, आप गेम में नहीं हो, ठीक है, तो अभी आप लोग को एग्जिट करना रहेगा। यहाँ पे मैं मर जाता हूँ अपनी शॉटगन से। उसके बाद देखो लिविक में ये रहता है कि आपको जोन तो पहले ही मिल जाएगा, तो आप लोग को आउट ऑफ जोन चले जाना है, दोबारा कहीं और जाने की जरूरत नहीं मरने के लिए। आप आउट ऑफ जोन चले जाओगे वहाँ पे आपकी हिल डैमेज हो जाओगे, आपको ईजिली यहाँ से ही मर जाओगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से मर जाता हूँ आप लोग के सामने। यहाँ पर मेरी एचपी थोड़ी सी बची हुई है, तो आप लोग यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे मैं मर चुका हूँ, अब एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पे गेम में। तो यहाँ फटाफट से सभी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ आरपी में, तो आप सभी लोग देख सकते हो कि मेरा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है।